देखो 27 और 28 तारीख की जो आपकी शिफ्ट होगी जेई मेंस की, उसके अंदर कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग की शिफ्ट के अंदर ना बच्चे प्रिपेयर्ड तो होते हैं, लेकिन बच्चे थोड़े नर्वस होते हैं कि पेपर कैसा आएगा, पैटर्न कैसा रहेगा। लेकिन बाद की शिफ्ट में जाकर वही कॉम्पिटिशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ये 3-4 दिन के अंदर जो आंसर सोल्यूशन आते हैं ना, उसको देख के पढ़ने वाले बच्चे ना थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस कर सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाते हैं 3-4 दिन में, और जिसमें यार उनका 30-40 का भी अगर बूस्ट आ गया ना, तो भाई अच्छा खासा कॉम्पिटिशन बढ़ गया। पर एक काम पता तुम अभी भी कर सकते हो, सबसे पहले तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लो, क्योंकि ऐसी चीजें कहीं और नहीं मिलेंगी। आपके कुछ चैप्टर्स मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इन चैप्टर्स के इन जो सब टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, इसके सवाल आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो अभी काम करो, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ इन चैप्टर के, और इन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज इट इज सॉल्यूशन देख के रटना चालू कर दो। अगर मान लो 2 या 3 क्वेश्चन एज इट इज आपको पेपर में मिल गए और आपने सॉल्व कर दिए, तो भाई बढ़िया है ना, 8 से 12 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। और इन टॉपिक्स के अंदर सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं हर बार, कभी पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, तो हो सकता है इस बार भी देखने मिल जाए।